सूर्यदेव को जल चढ़ा लेते हैं, उसके बाद में नाश्ते की तैयारी करते हैं। गौरा, सूजी ने हमें आवाज दी। स्टार भारत के सीरियल मेरी सास भूत है में गौरा ने सोम के गालों पर कर दी है पप्पियों की बरसात। असल में गौरा सुबह सुबह पूजा करने के लिए निकली थी कि तभी उसे सोम ने रोक लिया। बस फिर क्या, भूत सासु माँ ने अपना खेल खेल दिया। उन्होंने ना सिर्फ अपनी बहुरानी को धक्का दिया बल्कि जबरन गौरा से सोम के गालों पर पप्पी भी दिलवाई, जिसे देखकर गौरा की दादी सास और बुआ सास दोनों ही हो रही हैं हैरान। वैसे सभी की परेशानी बढ़ रही है क्योंकि रेखा के भूत ने सभी को परेशान कर रखा है। ऐसे में सास बहू के बीच शुरू हो गई है फिर से टशनेबाजी, जहां भूत सासू माँ अपनी बहुरानी से नया खेल खेलने के लिए कह रही है, जिसके चलते गौरा हो रही है परेशान। देखिए सासू माँ, आप हमें साफ साफ बताइए कि अब आप चाहती कहाँ है? हम ये चाहते हैं कि जब तक हमारी अधूरी इच्छाएं पूरी ना हो तुम यहीं रहो। और यहाँ रुक के हम क्या करेंगे? फिलहाल तुम अपने ददिया सास के मुँह से ये कहलवाओ कि तुमको पतहू बना के उनने जिंदगी की सबसे बड़ी गलती की है। अच्छा, तो ये बात है, सब शिकारी को भी हम खुद ही समझाएं और शिकार भी फिर हम खुद ही बने। सासू माँ, ये का मतलब तो ये हुआ जो तीर है वो गोल 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 घूम के सीधा हमारी तरफ ही आएगा। हम खुद के लिए काहे गड्ढा खोदे हैं? क्योंकि वरना हम तुमको ही घुमा डालेंगे। मतलब तो बताओ, करोगी हमारा काम या फिर एक बार और फिर से लट्टू चलाएं? नहीं नहीं नहीं, आप जैसा हमसे कहेंगे सासू माम हम करेंगे। धन्यवाद। हमको तो ये समझ में नहीं आ रहा कि हमारी कौन सी समस्या ज्यादा बड़ी है। सुन जी, हमारी बात नहीं सुन रही या हमारी सास भूत है? हमको तो लगता है भाभी का जो भूत है वो सोम और गौरा को नजदीक नहीं आने दे रहा है। लेकिन उस भूत को घर से कैसे भगाएं? हम तो महाभोज भी कराए घर में ताकि सुख शांति आ जाए। हमारे दिमाग में एक आइडिया आ रहा है भूत भगाने का। परदेसी? परदेसी एक बहुत ही पहुंचे हुए तांत्रिक को जानता है जो कैसे भी जिद्दी से जिद्दी आत्मा को वश में कर लेता है। सच कह रही हो? अम्मा, वो तांत्रिक की बीवी भी उसकी हर बात मानती है। ये का मतलब तो बहुत ही पहुंचा हुआ तांत्रिक है। मैंने सूर्यदेव को जल चढ़ा लेते हैं, उसके बाद में नाश्ते की तैयारी करते हैं। गौरा, सूजी ने हमें आवाज दी। अम्मा, राहुल बहुत ही बेशरम होता जा रहा है। पता है अम्मा, इस पुतला बनी कहाँ देख रहे हो तुम? देखिए सासू माँ, आप हमें साफ साफ बताइए कि अब आप चाहती कहाँ है? हम ये चाहते हैं कि जब तक हमारी अधूरी इच्छाएं पूरी ना हो तुम यहीं रहो। और यहाँ रुक के हम क्या करेंगे? फिलहाल तुम अपने ददिया सास के मुंह से ये कहलवाओ कि तुमको पतहू बना के उनने जिंदगी की सबसे बड़ी गलती की है। अच्छा, तो ये बात है, सब शिकारी को भी हम खुद ही समझाएं और शिकार भी फिर हम खुद ही बने। सासू माँ, ये का मतलब तो ये हुआ जो तीर है वो गोल 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 घूम के सीधा हमारी तरफ ही आएगा। हम खुद के लिए काहे गड्ढा खोदे हैं? क्योंकि वरना हम तुमको ही घुमा डालेंगे। मतलब तो बताओ, करोगी हमारा काम या फिर एक बार और फिर से लट्टू चलाएं? नहीं नहीं नहीं, आप जैसा हमसे कहेंगे सासू माम हम करेंगे। धन्यवाद। हमको तो ये समझ में नहीं आ रहा कि हमारी कौन सी समस्या ज्यादा बड़ी है। सुन जी, हमारी बात नहीं सुन रही या
हमारी सास भूत है। हमको तो लगता है भाभी का जो भूत है वो सोम और गौरा को नजदीक नहीं आने दे रहा है। लेकिन उस भूत को घर से कैसे भगाएं? हम तो महाभोज भी कराए घर में ताकि सुख शांति आ जाए। हमारे दिमाग में एक आइडिया आ रहा है भूत भगाने का। परदेसी? अरे माँ, परदेसी एक बहुत ही पहुंचे हुए तांत्रिक को जानता है जो कैसे भी जिद्दी से जिद्दी आत्मा को वश में कर लेता है। सच कह रही है? अम्मा, वो तांत्रिक की बीवी भी उसकी हर बात मानती है। ये का मतलब तो बहुत ही पहुंचा हुआ तांत्रिक है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, कमेंट देके अपनी राय जरूर दें और ऐसे ही एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करें। नाम तो आप सब जानते ही हैं, सास बहू और पेठिया।